ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है कुश इक ए दी डम्पस्टर एंड आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्टोरी लाइन ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में। एंड दिस गेम वॉज रिलीज बाय एक्टिविजन एंड इन्फिनिटी वॉर्ड। एंड इसी गेम के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज ने लोगों के दिल पे राज करना शुरू कर दिया। एंड हाँ, देर इज अ बिग स्पॉइलर वार्निंग फॉर यू। अगर आपने ये गेम नहीं खेली तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप पहले इस गेम को खेलें फिर इस वीडियो में आए। बट इफ यू हैव प्लेड दिस गेम एंड स्टिल नीड अ स्टोरी रिकैप देन यू आर इन अ करेक्ट वीडियो। तो गेम की टाइमलाइन है ईयर 2011, जहां एक सिविल वॉर छिड़ जाती है बिटवीन रशियन गवर्नमेंट एंड अल्ट्रानेशनलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी का लीडर होता है इमरान जखेर, जो चाहता था कि रशिया को सोवियत एरा में वापस लाया जाए, मतलब उसे सोवियत एरा जैसा ही पावरफुल बनाया जाए। और अल्ट्रानेशनलिस्ट पार्टी के जीतने के बाद इमरान जखेव ने अल आजाद नाम के एक आदमी को बोलकर वहां के प्रेसिडेंट अल फुआनी को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसा इमरान जखेव चाहता था वैसा ही होता है। यूएस का सारा ध्यान जो है अल आजाद पर चले जाता है और यूएस अल आजाद के बेस पे फुल स्केल अटैक लॉन्च करा देती है। वहां पर वो अपनी सबसे बेस्ट टीम यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन मतलब यूएसएमसी को भेजती है, जिसे लेफ्टिनेंट वास्कस लीड करता है और हमारा कैरेक्टर पॉल जैक्सन होता है। और वहां जाके हमें पता चलता है जिस स्टेशन से अल आजाद अपने आप को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था वहां पे सिर्फ एक लूप रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब अल आजाद वहां पर नहीं है। और उसी समय यूके की मिलिट्री में एक नया सोल्जर रिक्रूट होता है जिसका नाम सूप मैकटेविश है। वो एसएएस टीम का सोल्जर बनता है और यहाँ पे एसएएस का मतलब है स्पेशल एयर सर्विस, को लीड करते हैं कैप्टन प्राइस। और कैप्टन प्राइस वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज के। इसके बाद हमें रशियन शिप पे अटैक करना होता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइस मिलने की आशंका होती है। शिप को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद एसएएस टीम को यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिवाइस मिलता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अरेबिक में लिखा रहता है। यहाँ से हम न्यूक्लियर डिवाइस लेके जा ही रहे होते हैं बट यहाँ पे रशियन एमआईजी हेलीकॉप्टर इस शिप को उड़ा देता है। और एसएस टीम यहाँ से अहम मौके पर निकल जाती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन होता है निकोलाय को बचाकर लाना। निकोलाय असलियत में एक इन्फॉर्मर है जो अल्टरनेशनलिस्ट कैंप से सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेजता रहता है। बट अब अल्टरनेशनलिस्ट पार्टी ने उसे बंदी बनाकर रखा है। बट अब उसे वापस लाने के लिए रशियन लॉयलिस्ट पार्टी हमारी हेल्प करेगी। उसे वहां से निकालने के बाद एक मिसाइल उनके कैंप से हमारे हेलीकॉप्टर में आके लग जाती है। हमारा हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है। और वहां से बस निकलने के लिए हम कैप्टन प्राइस की टीम को AC-130 गनशिप से एयर सपोर्ट देते हैं। दोनों मिशन के बाद यूएस वालों को लगता है कि अल आजाद के पास शायद से रशियन न्यूक्लियर डिवाइस हो सकता है और वो अल आजाद के पैलेस पे फुल स्केल अटैक लॉन्च करा देते हैं, जहां पे यूएस की सारी मिलिट्री फोर्सेस उसको मारने के लिए चले जाती है। और एसएस की न्यूक्लियर वार्निंग के चलते सब लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं बट गलती से वहां पे न्यूक्लियर डिवाइस ट्रिगर हो जाता है। और इसके बाद यूएस के आधे से ज्यादा सोल्जर का स्टेटस KIA हो जाता है, मींस किल्ड इन एक्शन। और इस इंसिडेंट के बाद निकोलाय एसएस टीम को इन्फॉर्मेशन देता है हैम्बर्ग जर्मनी से कि शायद से अल आजाद अपने सेफस अजरबैजान में हो सकता है। उसको जिंदा पकड़ने के लिए एसएस टीम वहां पे चली जाती है और वो रशियन लॉयलिस्ट फोर्स का भी हेल्प लेती है। और एसएस टीम उससे पूछताछ कर ही रही होती है कि बीच में किसी की कॉल आ जाती है। प्रेस उस आवाज को पहचान जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है और वो अल आजाद को एग्जीक्यूट कर देता है। जब सब पूछते हैं कि किसकी कॉल थी, तब कैप्टन प्रेस अपना
15 साल पुराना वाला एक मिशन बताते हैं जो प्रयाग यूक्रेन में था। और यहाँ पे ये गेम रियल लाइफ इंसिडेंट चेर्नोबिल डिजास्टर का रेफरेंस देती है जो 1986 में हुआ था, और इसमें उस सिटी के सारे लोग मारे गए थे और यूरोप के बहुत सारी जगह इसका रिएक्शन देखने को मिला था। बट नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द स्टोरी लाइन। इस न्यूक्लियर वेस्ट को इमरान जखेव ने स्टडी किया, खुद न्यूक्लियर सप्लायर बन बहुत पैसे कमाए, इससे पूरे वर्ल्ड को खतरा था। ऐसे तो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना के कहीं पे भी ट्रिगर कर सकता है और बहुत सारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो उस टाइम कैप्टन प्राइस लेटरनेंट पोस्ट पे थे, उनका मिशन था कि उसी जगह पे जाके इमरान जखेव को मारना, और उस टाइम पे उनके सीनियर थे कैप्टन मैकमिलियन, कोड नेम बेस प्लेट, और वहाँ पे इमरान जखेव किसी से डील करने आया, और उसी टाइम कैप्टन प्राइस को अपनी M80-250 कैलिबर स्नाइपर राइफल से उसे मारना था। और कैप्टन प्राइस करेक्ट एम लगाकर फायर भी कर देते हैं, बट अचानक से हवा की डायरेक्शन बदलने के कारण इमरान जखेव के सर की बजाय गोली हाथ पर लग जाती है और उसके हाथ को तोड़ देती है, और इससे एनिमीज को उनकी जगह का पता लग जाता है। वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते कि कैप्टन मैकमिलियन का पांव इंजर्ड हो जाता है, और उनके अच्छी स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज की वजह से वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद कैप्टन प्राइस और उनकी टीम को अजरबैजान से निकलना होता है, और उनकी अच्छी स्ट्रेटजी के कारण वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद USMC और SS का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, इसमें हमें पता चलता है कि इमरान जखेव का एक बेटा भी है, और क्योंकि वो उसका बेटा है तो उसने अपने बेटे को कमांडर बना रखा है इंटरनेशनलिस्ट पार्टी का, और दोनों फोर्सेस की अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से वो पकड़ा भी जाता है। बट वो सडनली अपने आप को खुद से गोली मार लेता है, और इस बात से इमरान जखेव बहुत गुस्सा हो जाता है, और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो रशियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कब्जा कर लेता है। ज्वाइंट ऑपरेशन टीम हेलोक जमकर रशियन फैसिलिटी को जखेव के कब्जे से छुड़ाने आ जाती है, बट तब सब उसी समय आसमान में देखते हैं इमरान जखेव इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल विद 6 न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है और US के ईस्ट कोस्ट वाले इलाकों पर छोड़ देता है। पर अगर ये मिसाइल्स हिट करती है तो प्रोजेक्टेड कैजुअलिटीज होगी 41 मिलियन से ज्यादा, मीन्स 4 करोड़ से ज्यादा। बट एंड टाइम पे सिस्टम वहाँ पे जाके अबॉर्ट कोर्स डाल देती है और सारी मिसाइल्स ओशियन में गिर जाती है। Bravo 6, all warheads have been confirmed destroyed in flight. We got a ton of debris, but most of it's landing in the ocean. Sir, check the security feed. It's the can. He's taking off. और इसी कमांड रूम में हमें जखेव अपने ट्रक में बैठ के भागता हुआ दिखता है। हमारी टीम उनका पीछा कर ही रही होती है कि उनका हाइंड हेलीकॉप्टर हमारे पीछे लग जाता है, और एंड टाइम पे उनका हेलीकॉप्टर ब्रिज पे मिसाइल छोड़ देता है और उससे पूरा ब्रिज तबाह हो जाता है, और उस ब्रिज में एक ऑयल टैंकर होता है और जिसके फटने से पूरा ब्रिज और तबाह हो जाता है। फिर इसके बाद इमरान जखेव खुद अपने ट्रक से उतर के इंजर्ड सोल्जर्स को मार रहा होता है, और वो हमारे पास आ ही रहा होता है कि रशियन लॉयलिस्ट फोर्स का MI-28 हैवॉक हेलीकॉप्टर हाइंड को तबाह कर देता है और जखेव का ध्यान भटका देता है। इस बात को कैप्टन प्राइस समझ जाता है और कैप्टन प्राइस सूप के पास अपनी पिस्टल M1911 को फेंकता है। सूप भी कैप्टन प्राइस का सिग्नल समझ जाता है और वो उस पिस्टल को ग्रैब कर लेता है, उसको मारने के बाद उसके बाकी के 2 सोल्जर्स को भी मार देता है। और यहीं रशियन लॉयलिस्ट फोर्स आके कैप्टन प्राइस और सोप और बाकी सारे इंजर्ड सोल्जर्स की हेल्प करती है, और यहीं रशियन गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को न्यूक्लियर टेस्ट घोषित करती है और कहती है कि ये सब UN प्रोटोकॉल के दायरे के अंदर ही हुआ है। एंड यहीं पे हमारी इस गेम का एंड होता है। सो गाइस, दिस वाज ओनली फॉर दिस वीडियो, एंड मुझे पता है कि ये मैंने वीडियो बहुत जल्दी खत्म कर दी, नेक्स्ट टाइम से मैं हर वीडियो आराम से बनाऊंगा, एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट अगर अभी भी आपके समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो गाइस, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू।